साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आज आपको येलो कलर की क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे कलर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, आप लोग येलो के बारे में भी जानना चाहते थे। प्रेम, खुशी, उत्साह, उमंग, सभी चीज को भरे हुए, अपने आप में समेटे हुए रंग है पीला। येलो कलर हैप्पीनेस का प्रतीक है, जॉय का प्रतीक है, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रतीक है। तो येलो कलर को अपने जीवन में बढ़ाकर हम और क्या क्या पा सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में कौन सा एंजल नंबर ऐसा है जिसको लिखकर हम येलो कलर की एनर्जी को भी पा सकते हैं। येलो कलर हमारे सोलार प्लेक्सस से जुड़ा हुआ कलर है। सोलार प्लेक्सस का कलर भी पीला होता है, तो यानी जब सोलार प्लेक्सस को बैलेंस करना है तब भी आप उस एंजल नंबर को लिखेंगे। शुरुआत में हम येलो कलर की क्वालिटीज को जानेंगे। येलो कलर पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। येलो कलर उत्साह देता है जीवन में। अपने आसपास थोड़ा सा येलो कलर रखें, अपने घर में थोड़ा सा येलो कलर रखें, येलो कलर को पहने, इन सारे तरीकों से आप येलो कलर की एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। येलो जो कलर होता है, इसका कोई भी शेड हो, खासतौर पे लेमन जो शेड होता है, वो होता है नेचुरल क्लेंजर। यानी जो येलो कलर अगर आप पहनेंगे, ज्यादा थोड़ा सा पहनेंगे, थोड़ा बहुत तो हर कोई पहन ही लेता है, आज पहन लिया कल पहन, ऐसा नहीं, उस इंटेंशन के साथ जब आप पहनेंगे येलो कलर, तो येलो कलर है नेचुरल क्लेंजर। क्लेंजर यानी हर तरह की निगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को क्लेंज करने का काम करता है। और जब निगेटिविटी सभी क्लेंज हो जाती है तो अपने आप में मन खुशी से, उत्साह से भर जाता है, यानी हैप्पीनेस फील होती है, खुशी महसूस होती है। कभी कभी होता है कि अपने आप में कुछ हमने पहना है, हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही होती है कि अरे आज हमने ये कपड़ा पहना है, अच्छा लग रहा है हमको, या कुछ करने का उत्साह होता है। तो वो साइकोलॉजी है कलर की। जब आप येलो पहनेंगे तो आपको उत्साह रहेगा कुछ काम करने के लिए। तो ये हो गई कुछ चीजें। इसके अलावा येलो और बहुत सारी चीजों में काम आता है। अगर आप येलो कलर को अडॉप्ट करते हैं, अपने आसपास बढ़ाते हैं येलो कलर, तो येलो कलर आपके नर्व्स पे, ब्रेन पे भी असर डालता है। खास तौर पे आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करता है, आपको प्रैक्टिकल बनाता है, आपको लॉजिकल सोचने की शक्ति देता है येलो कलर। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उलझा सा आपको फील होता हो, येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ाइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने थॉट्स में कि क्या करना है, क्यों ऐसा करना मेरे लिए जरूरी है, आप डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। तो ऐसा है येलो कलर। येलो कलर मनी से भी जुड़ा हुआ है। घर में अगर पैसों की बहुत कमी होती है तब भी आप येलो कलर को अपने आसपास बढ़ा सकते हैं। मनी से रिलेटेड कोई रिचुअल्स करते हैं तब भी आप येलो कलर को अपना सकते हैं। येलो कलर मनी फ्लो भी आपके घर में बढ़ाता है। तो ये इसकी दो क्वालिटीज हो गई। तीसरी चीज, अगर आपको बोन्स से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों के रोग हो रहे हैं, हड्डियों में स्टिफनेस हो रही है, बोन्स में ऑर्थराइटिस आपको हो रहा है, बोन्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो आप येलो कलर को अपनाइए, थोड़ा सा उसमें आपको आराम आना शुरू होगा। अगर कोई पर्टिकुलर किसी जगह पे है, मान लीजिए घुटने में ही है आपको, तो आप येलो कलर का सिल्क का कपड़ा लीजिए और 15 मिनट के लिए उसमें बांध कर लेट जाइए, बैठिए लेटिए। अगर पूरा येलो आप नहीं पहन सकते हैं और आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में ही प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे पीछे गले में ही एक जगह दर्द है या घुटनों में अकेले दर्द है, तो आप सिल्क का येलो कलर ले लें और वहीं पर बांध लीजिए आराम से। लेटने की भी जरूरत नहीं, आप तो बंधा रहने दीजिए, दिन भर ही आप बांध लीजिए, पैर पे बंधा रहने दीजिए, वो जगह बोन्स येलो कलर की एनर्जी को रिसीव करेंगी और थोड़ा सा बोन्स में आपको आराम आना, स्टिफनेस में या बोन्स, जो भी प्रॉब्लम बोन्स से जुड़ी होगी उसमें आपको हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम में आराम आने लगेगा। इसके अलावा और हम किसमें यूज कर सकते हैं, नेचुरल क्लेंजर होता है। मैंने कहा कि नेचुरल क्लेंजर यानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और जो भी निगेटिविटी है उसको निकालने का काम करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे आपकी ऑरा में निगेटिविटी है, आपकी ऑरा को क्लीन करने की आपको जरूरत महसूस हो, आप कुछ दिन येलो कलर पहनिए, आपकी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। आपके सातों चक्र अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिसबैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस नहीं है, कुछ क्लेंजिंग की जरूरत है, तब भी आप येलो कलर को बढ़ा सकते हैं और उसमें भी येलो कलर आपके लिए काम करेगा। दिमाग में अगर आपको लगता है निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, इधर उधर की बातें सारे दिन आए रहती हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है, आप उलझे रहते हैं थॉट्स में, निगेटिव थॉट्स में,
तब भी आप येलो कलर को बढ़ाइए, आपको आराम आने लगेगा। क्योंकि येलो कलर क्या करेगा, जितनी भी निगेटिव चीजें आपके दिमाग में भरी हुई हैं उन सबको बाहर कर देगा, तो क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी। तो जीवन में जब भी क्लेंजिंग की जरूरत हो, येलो कलर को अपना लें, जीवन में बढ़ा लें, आपको आराम आएगा। क्लेंजिंग कर रहा है, फालतू के थॉट्स निकाल रहे हैं, तो यानी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का भी प्रतीक है येलो कलर। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत का प्रतीक है येलो कलर। अगर आपको एकाएक लाइफ में किसी मोड़ पर आकर ऐसा लगे कि येलो कलर को ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कलर हमको अट्रैक्ट करने लगता है, तो जब येलो कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करने लगे तो समझिए कि आपका स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने का वक्त आ गया है, या स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को भी बढ़ाता है येलो कलर। इसके अलावा भी येलो बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है, जैसे कि आपको स्किन से जुड़ी अगर प्रॉब्लम्स हो रही हो तब भी आपको येलो कलर बहुत यूजफुल होगा, अपने पास में भी बढ़ाइए। प्लस येलो कलर के कपड़े पहनिए, अगर आपको स्किन डिसीजेस होते हैं, स्किन डिसीजेस में भी येलो कलर से हमको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई येलो कलर की, अगर आपको इन सब चीज़ों में ज़रूरत होती है तो आप येलो कलर बढ़ा सकते हैं। येलो कलर की साइकोलॉजी एक्चुअली ऐसी होती है जो हर पुरानी चीज़ को हटाकर कुछ नया आपके अंदर भरती है। जब भी जीवन में उदासी आ जाए, कुछ समझ में ना आए, करियर में भी सब बेकार चल रहा हो, रिलेशनशिप भी अच्छे ना चल रहे हो, कुछ लगे एक नए चेंज की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है, येलो कलर को अपनाइए। येलो कलर नए रास्ते आपके लिए खोलेगा, कुछ नई सोच देगा आपको। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं येलो कलर में। येलो कलर जो है हमारा सोलार प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है, तो यानी सोलार प्लेक्सस भी अगर आपका वीक है तब आपको येलो कलर को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपको येलो कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार आपको येलो कलर ही अच्छा लग रहा है जबकि पहले आपको नहीं पसंद था, तो मानकर चलिए कि आपको सोलार प्लेक्सस डिसबैलेंस है या सोलार प्लेक्सस को जरूरत है, सोलार प्लेक्सस को एक्टिवेट होने के लिए उस कलर की जरूरत है, क्योंकि उस चक्र का कल मणिपुर चक्र का कलर है येलो कलर, पीला रंग। तो पीला रंग अगर अट्रैक्ट हो रहा है मतलब वहां पर उस चक्र में जरूरत है, तो आप जरूर उस कलर को अपनाइए। ऐसा ना सोचिए उस समय कि येलो मुझे अच्छा नहीं लगता, भड़कीला कलर है, ऐसा नहीं। आप येलो का कोई भी शेड ले लो लेकिन पहनना जरूर शुरू करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर पहनिए, क्योंकि आपके चक्र को जरूरत है। वो संतुलित होगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। सोलर प्लेक्सस से ही आपके पेट की सारी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, तो यानी येलो कलर पहनकर आप पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सोलार प्लेक्सिस से आपका कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है, कुछ करने की हिम्मत ताकत आपके अंदर नहीं है, डर लगा रहता है हमेशा, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी येलो कलर को अपनाइए। येलो कलर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा। तो येलो कलर की बड़ी सारी क्वालिटीज है। तो साथियों, सबसे आसान तो ये है कि आपने पहनकर ही बढ़ा लिया, लेकिन वो साथी जो पहनना नहीं चाहते हैं, पहनकर नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन येलो कलर को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, येलो कलर की एनर्जी लेना चाहते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं एंजल नंबर को। एंजल नंबर जो येलो कलर का है, येलो कलर की एनर्जी का है, वो है 11। ऐसा नंबर है जिसको आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख लेना है। आप चाहे तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे यहां पर लिख लें कहीं भी, किसी भी कलर के पेन से, और अगर आप चाहें, चूंकि येलो कलर सोलार प्लेक्सिस का जुड़ा कलर है, सोलार प्लेक्सिस से जुड़ा हुआ कलर है, और सोलार प्लेक्सिस हमारी नाभि के थोड़ा सा ऊपर, तो आप चाहें तो अपने पेट पे भी लिख सकते हैं, सोलार प्लेक्सिस पे डायरेक्ट यहां पर इस जगह पे भी आप 11 नंबर लिख सकते हैं। 11 नंबर लिखकर येलो कलर की एनर्जी सोलार प्लेक्सिस को दे सकते हैं। तो ये है एंजल नंबर जिससे भी आप येलो कलर की शक्ति को पा सकते हैं। तो साथियों, अब तक बहुत सारे कलर्स के बारे में बता चुकी हूं, आज येलो कलर के बारे में आपको बताया। और किस कलर के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।